नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। इधर YIS न्यूज का हुआ बड़ा असर। बेजुबानों के खाने के लिए बिलारी की कई संस्थाएं आई आगे। खबर देखकर आज पतंजलि योग समिति बिलारी, सनातन धर्मा ट्रस्ट तथा भारतीय जनता पार्टी बिलारी के पदाधिकारी द्वारा आज बिलारी में स्टेशन रोड पर पुल के आसपास रेलवे स्टेशन के क्षेत्र में पहुंचकर बेजुबान प्राणियों को फल आदि खिलाकर की भोजन की व्यवस्था। आपको बताते चले कि YIS न्यूज चैनल ने कल एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें भूखे बंदर मिट्टी खाकर भूख शांत करते दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जब सब कुछ बंद है इसलिए बेजुबान जानवरों को भी कुछ भी खाना नहीं मिल पा रहा है और वे भूखे ही रह रहे हैं। ऐसे में आज बिलारी नगर से खबर देखकर आज पतंजलि योग समिति बिलारी, सनातन धर्मा ट्रस्ट तथा भारतीय जनता पार्टी बिलारी के पदाधिकारियों द्वारा आज बिलारी में स्टेशन रोड पर पुल के आसपास रेलवे स्टेशन के क्षेत्र में पहुंचकर बेजुबान प्राणियों को फल आदि खिलाकर भोजन की व्यवस्था की। इस अवसर पर योग शिक्षक निहाल सिंह लाठर, भाजपा नगर अध्यक्ष के गुप्ता, महामंत्री मनोज ठाकुर, पूर्व नगर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शर्मा, डॉक्टर गीता शर्मा, सुबोध गुप्ता, सनातन धर्मा ट्रस्ट के अध्यक्ष पंकज चौहान, पतंजलि बिलारी के संरक्षक सुनील आर्य, तरुण कपूर, ठाकुर किशन सिंह आदि द्वारा मूक प्राणियों को फल आदि द्वारा भोजन की व्यवस्था की। मैं योग शिक्षक निहाल सिंह लाठर बिलारी में पिछले 11 साल से निरंतर मंदिर पौड़ा खेड़ा पे निःशुल्क योग करा रहा हूँ लोगों के लिए। और ये पिछले लॉकडाउन से मन में भाव आया, जो मूक प्राणी है जो किसी से अपनी व्यथा कह नहीं सकते, भूखे रहते हैं, तो उनके भोजन की व्यवस्था का मन में विचार आया ये। और पिछले लॉकडाउन में भी पूरे काल में हमने करा था ये, और अब के भी इसकी शुरुआत कर रखी है। तो हम जो मूक प्राणी हैं, ये गाय बंदर कुत्ते वगैरह, उन्हें सब भोजन कराने की व्यवस्था है हमारी ये, और ये निरंतरता से चली आ रही है जभी से। अच्छा, तो सर आप जो जनता है इसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा, मनुष्य तो कह सकता है एक दूसरे से अपनी व्यथा, अगर पैसे भी नहीं है जेब में तो उधार ले सकता है किसी से, मगर ये जो मूक प्राणी है ये किसी से भी अपनी व्यथा कह नहीं सकते। भूखे हैं तो भूखे ही सो जाएंगे या फिर झपटेंगे लोगों पे। तो मेरा यही संदेश है सभी को, जो मूक प्राणी हैं उनके भोजन की व्यवस्था सभी लोग करें, सबके सहयोग से, ये भी भूखे नहीं सोएंगे। अगर सबके मन में ये विचार आ गया तो ये मूक प्राणी भी पेट भर के ही सोएंगे रात को अपना, ये संदेश देना चाहूँगा सब। कल YIS न्यूज द्वारा दिखाया गया था, बंदर भूख की वजह से मिट्टी खा रहे थे, तो आज हमारी पूरी टीम उस बात को संज्ञान में लेकर पहुँची है मिल राजा के सेंसपुर में, और यहाँ पे शिव मंदिर के पास जो मूक प्राणी है जो भूख से बेचैन है उन्हें भोजन कराने की व्यवस्था हमारे साथियों द्वारा चल रही है इस समय। और ये बड़े प्रेम के साथ बंदर केले अन्य भोजन सामग्री खा रहे हैं। इधर मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत मनदीप नामक व्यक्ति की अपहरण व हत्या के प्रयास में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना सिविल लाइन पुलिस के आरोपी विजेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने के साथ एक वाहन भी किया बरामद। ASP अनिल कुमार यादव ने कहा, बाकी आरोपियों सुमित, वीर और विशाल को धरपकड़ के लिए किया जा रहा है कार्य। इधर केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर सेवा कार्य में जुटे हैं पार्टी के कार्यकर्ता। मुरादाबाद के काटोड स्थित काजीपुरा गांव में पहुंचे नगर विधायक रितेश गुप्ता ने क्षेत्रवासियों से कहा, पूरी तरह से कोरोना से सुरक्षित है काजीपुरा गांव। नगर विधायक ने काजीपुरा के निवासियों को कोरोना सुरक्षा किट, सैनिटाइजर, मास्क, दवाई की वितरित। इधर मुरादाबाद के मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने जिला अस्पताल के कोविड का किया निरीक्षण। मुख्य विकास अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा। कोविड अस्पताल में संक्रमित मरीजों की संख्या घटी, मुख्य विकास अधिकारी ने सभी से की सहयोग की अपील। इधर मुरादाबाद में कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण 1 महीने से ज्यादा से बंद हैं व्यापारियों की दुकान। शहर के व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से की अपील, खोली जाएं दुकानें, मंदी के दौर से गुजर रहे हैं व्यापारी। हाथों में पोस्टर लेकर व्यापारियों ने कहा, अब खोला जाए बाजार, शहर वासियों के साथ व्यापारियों को हो रही है परेशानी। इधर मुरादाबाद में अवैध सिम बॉक्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कॉल को
अवैध तरीके से लोकल कॉल में परिवर्तित कर देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। थाना मजोला पुलिस व भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड की संयुक्त टीम द्वारा टीपी नगर में अवैध रूप से चल रहे टेलीफोन एक्सचेंज पर छापा मार कार्रवाई। अवैध रूप से चल रहे टेलीफोन एक्सचेंज की वजह से संचार विभाग को पहुंच रहा था लाखों रुपए का नुकसान। इधर मुरादाबाद के लालपुर गंगवारी गांव में संस्थाएं सीबीसीआई कार्ड और शिक्षा जागृति केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में अधिक व्यक्तियों को जूते वितरित किए गए। डॉक्टर जावेद ने कहा, मुश्किल वक्त में जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है काम। संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ग्रामवासियों को भी विश्वास दिलाया गया, हर संभव सभी की जाएगी मदद। इधर यूपी में कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी। जिन जिलों में 600 से अधिक केस है वहां पर कर्फ्यू से कोई राहत नहीं, बाकी जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा। इस नियम से लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर जैसे जिलों में कर्फ्यू जारी रहेगा, 55 जिलों में रहेगी छूट। बताते चले आपको को मुरादाबाद में भी 600 से अधिक ज्यादा केस हैं, इसलिए मुरादाबाद में भी कर्फ्यू रहेगा जारी। इधर लखनऊ लॉकडाउन और आंशिक कर्फ्यू में शर्त के साथ छूट। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे नियम के साथ दुकानें। रात का कर्फ्यू व वीकेंड लॉकडाउन रहेगा लागू। 600 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज वाले जिलों को नहीं मिलेगी राहत। अभी मुरादाबाद में 715 पॉजिटिव मरीज, 24 घंटे में मरीज कम होने पर मिलेगी राहत।